जो मैंने लिखा है उसका टाइटल है वो। अभी वो मेरा कोई खास नहीं है, आपका भी कोई हो सकता है। इट इज अबाउट समबडी जो हमारे ही बीच में होते हैं, बहुत खुश और खुश मिजाज टाइप के लोग होते हैं, मगर आपको पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ में क्या भगदड़ चल रही होती है। और कभी कभी वो लोग हमारे बीच से अचानक से इनविजिबल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इट इज अबाउट देम। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बातें सबकी सुनी मैंने अभी तक यहाँ पे। तो प्लीज अगर रिलेट करते हैं तो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। हर दिन वो तुम्हारे पास आता है, हर दिन वो तुम्हारे पास आता है, बैठता है, बोलता है, मुस्कुराता है। हर दिन वो तुम्हारे पास आता है, बैठता है, बोलता है, मुस्कुराता है। जहां जाता है महफिल की जान बन जाता है, जहां जाता है महफिल की जान बन जाता है। जरा खुद सोच कर देखो, क्या कोई इतना खुश रह पाता है? तुम खुद सोच कर देखो, क्या कोई इतना खुश रह पाता है? क्या तुमने देखा कि अचानक से उसकी आंखें किसी शून्य में खो जाती हैं? क्या देखा तुमने कि अचानक से उसकी आंखें किसी शून्य में खो जाती हैं? तुम महफिलों में हंसते होगे, उसकी नजर दीवारों पे टिक जाती है। क्या देखा तुमने कि अचानक से उसकी आंखें किसी शून्य में खो जाती हैं? तुम महफिल में हंसते होगे, उसकी नजर दीवारों पे टिक जाती है। क्या तुमने उसके कलाई पर वो उभरी सी लकीर दिखाई दी थी? क्या तुम्हें उसकी कलाई पर वो उभरी सी लकीर दिखी थी? क्या बताया उसने कभी तुम्हें कि उसे रात भर नींद नहीं आई थी? क्या बताया उसने तुम्हें कभी कि उसे रात भर नींद नहीं आई थी? तुम्हारी बेबसी में जब तुम्हारा हाथ थामने वो आया था, तुम्हारी बेबसी में जब तुम्हारा हाथ थामने वो आया था, तो क्या देखा था तुमने कि उसकी आंखें सूजी सी हुई थी? क्या देखा था तुमने कि उसकी आंखें सूजी सी हुई थी? क्या पूछ पाए थे तुम कि वो रात में रोया था? क्या पूछ पाए थे तुम कि वो रात में रोया था? उसके बिखरे बाल और सादगी पर उसे काफिर कह देते हो, उसके बिखरे बाल और सादगी पर तुम उसे काफिर कह देते हो। क्या देख पाए थे तुम कि तुम्हारे साथ होके भी वो जिंदगी खत्म करने के ख्यालों में खोया हुआ था? क्या देख पाए थे तुम कि तुम्हारे साथ होके भी वो जिंदगी खत्म करने के ख्यालों में खोया हुआ था? आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर इट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरी वन ऑफ अस कि आखिर क्यों ऐसा होता है? सबके साथ हंसने वाला अकेलेपन में रोता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? सबके साथ हंसने वाला अकेलेपन में रोता है। वो हंसता है होठों से पर उसकी आंखें मुरझाई होती हैं। वो हंसता है होठों से पर उसकी आंखें मुरझाई होती हैं। अपने अंत के समीप खड़ा हो जो, उसने जिंदा दिली सबको सिखाई होती है। अपने अंत के समीप खड़ा हो जो, उसने जिंदा दिली सबको सिखाई होती है। जब वो आया था इस दुनिया में, अब हमारी जिम्मेदारी की बात, जब वो आया था इस दुनिया में, हम सबने उसे यकीन दिलाया था कि वो हम में से एक है। जब वो आया था इस दुनिया में, हम सबने उसे यकीन दिलाया था कि वो हम में से एक है। फिर कैसे वो इतना अकेला हो गया? फिर कैसे वो इतना अकेला हो गया? जो समाज उसके लिए बनाया था उसी में खो गया। फिर कैसे वो इतना अकेला हो गया? जो समाज उसके लिए बनाया था उसमें ही कहीं खो गया। ये विफलता उसकी नहीं हमारी है, ये विफलता उसकी नहीं हमारी है, ये अंधेरा उसका ही नहीं हमारा भी है। ये विफलता उसकी नहीं हमारी है और ये अंधेरा उसका ही नहीं हमारा भी है। आखिर कब जागेगी हमारे अंतर्मन की आवाज? आखिर कब, when, कब जागेगी हमारे अंतर्मन की आवाज? क्या इंतजार है हमें उस दिन का जब वो हो जाएगा बर्बाद? क्या इंतजार है हमें उस दिन का जब वो हो जाएगा बर्बाद? इसीलिए मुझे इंसानियत का कसीदा अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे इंसानियत का कसीदा अच्छा लगता है। मनुष्य एक दूसरे के बिना नहीं, एक साथ ही अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे इंसानियत का कसीदा अच्छा लगता है। मनुष्य एक दूसरे के बिना नहीं, एक साथ अच्छा लगता है। किसी को नीचा दिखाने, ताने मारने के मौके तुम्हें बहुत मिलेंगे, किसी को नीचा दिखाने, ताने मारने के मौके तुम्हें बहुत मिलेंगे,
पर किसी के होठों पे मुस्कुराहट लाकर किसी का दिल नरम कर देना सबसे नहीं होता है। किसी के होठों पे मुस्कुराहट लाकर किसी का दिल नरम कर देना सबसे नहीं होता है। हर वक्त के साथ वक्त सबके पास कम होगा। सबके पास वक्त कम है ना, सभी को थोड़ा सा वक्त चुरा करके लाए अपने रोजमर्रा के जीवन से। हर वक्त के साथ वक्त सबके पास कम होगा, थोड़ा दुख थोड़ा सुख हर जन्म होगा। हर वक्त के साथ वक्त सबके पास कम होगा, थोड़ा दुख थोड़ा सुख हर जन्म होगा। तुम पहुंच जाओ चाहे किसी भी पायदान पर, तुम पहुंच जाओ चाहे किसी भी पायदान पर, लेकिन पनपेगा वही जिसके दिल में रहम होगा। तुम पहुंच जाओ चाहे किसी भी पायदान पर, लेकिन पनपेगा वही जिसके दिल में रहम होगा। तो बस मुझे अब यही कहना उचित लगता है, भीड़ में खोकर खुद को पाना विचित्र लगता है। भीड़ में खोकर खुद को पाना विचित्र सा लगता है। तुम पढ़ लो चाहे जिंदगी के कितने ही रंग और अनगिनत फलसफे, पर याद रखना दोस्त, इंसान कब्र में नहीं जिंदा ही अच्छा लगता है। इंसान कब्र में नहीं जिंदा ही अच्छा लगता है।